हेलो फ्रेंड्स मैं और मिला आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूं एक बहुत ही प्रेरणास्पद है ये वीडियो मैंने बनाया है बछिन्द्रीय पाल के ऊपर बछेन्द्रीय पाल को तो आप सभी जानते होंगे ये एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही महिला थी इन्होंने पर, पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया था तो हम इनके द्वारा ही लिखी हुई इनकी पर्वतारोहण एवरेस्ट शिखर यात्रा पढ़ेंगे उसके पहले हम इनका जीवन परिचय ले लेते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है इन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए भी विश्व विजय प्राप्त किया इतनी ऊंची चोटी पर जाकर विजय पताखा लहराई तो चलिए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। पाल का जन्म के चामोली जिले के बंपा गांव में 24 मई उन्नीस को हुआ बछेन्द्री अपनी मां हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे अतः बछेन्द्री को आठवीं के आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके चुटाना पड़ा दसवीं पास करने के बाद बछेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया बछेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी संस्कृत से एम और बी की शिक्षा हासिल की लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही हो होने का गौरव दिलाया बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता था और इनसे छह साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था वे सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वे उसकी ये बहन भी कर सकती है लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गाँव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गाँव में जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गाँव में आ जाता था उन महीनों में स्कूल आने के लिए बछेंद्री को भी पांच छह मील पहाड़ की चढ़ाई चड़, चढ़नी और उतरनी पड़ती थी इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू हुई बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री पचहत्तर पच्छेंद्र मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है यह लोमहर्षक अंश बछेंद्री के उस अंतिम पड़ाव के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा तिंगरंगा लहलाने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों की को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो तो चलो हम इनकी मेरी शिखर यात्रा पढ़ते हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले से ही चला गया था जिससे कि वे हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है अधिकांश शेरपा इस स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध था मुझे यह नाम अच्छा लगा एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर तथा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था मैंने भी एवरेस्ट के रूप से थी। मैं भी एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला खुम्बू हिमपात पर जानलेवा अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान चट्टान नीचे खिसक आई थी शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु और चार घायल हो गए थे इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए उप नेता प्रेमचंद्र जो अग्रिम दल का नेतृत्व तो कर रहे थे 26 मार्च को लौट आए उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप के एक हजार मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्तियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले दो बार देखा लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहोत् और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फेली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टाने तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी सीधे धरातल पर दरार सीधे धरातल पर दराल पड़ने का विचार और इस दरार पर गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के प्रवास के दौरान हिमपात लगभग एक दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें अल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करके बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था रीता गोंबू और मैं साथ साथ चढ़ रहे थे हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हम हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम दो ही महिलाएं थी आ, अंग लोप सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को आ, 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप चार लगाया यह संतोषजनक प्रगति थी जब मैं अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय यह कर, कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा सबसे पहला अभियान है तेंजिंग हसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें सात बार एवरेस्ट जाना पड़ा था फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वती लग, लड़की लगती हो तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए पंद्रह सोलह मई उन्नीस को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लेहोत्से के बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप तीन में थी कैंप में और दस व्यक्ति थे लोपसांग तारा सिंह मेरे तंबू में थे एंडी शेरपा तथा और आ, और आठ अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे मैं गहरी नींद में सोई हुई थी रात में बजे के के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी और बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से कुचलती हुई चली जा रही है मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी यह क्या हो गया था एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया था उसका विशाल हिमपुंज बन गया था बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीढ़ी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थोड़ी सी भी देरी का सीधा अर्थ यह था कि मृत्यु बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः आठ बजे तक हम प्रायः सभी कैंप दो चार कैंप दो पर पहुंच गए थे जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए गए स्ट्रेचर पर लेटा नीचे लाया गया हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ये इतनी ऊँचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था सभी नौपुरुष सदस्यों को चोटों और टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे क्या तुम भयभीत थी मैंने कहा जी हाँ उन्होंने कहा क्या तुम वापस जाना चाहोगी मैंने कहा नहीं मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी मैंने खाना कुकिंग गैस तथा तो कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए जब दोपहर डेढ़ बजे बिस्सा आया उसने मुझे चाय के लिए पानी गरम करते हुए देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया मैंने बर्फीली हवा में भी तंबू से बाहर कदम रखा जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई और जय मीनू से हुई की और जय अभी कुछ पीछे थे मुझे जय जन जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला उसने पूर्वक चाय वगैरह पी ली मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की मगर मुझे की से भी मिलना था थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा मैं भी औरों की तेरे पर्वतारोही हूँ इसलिए हम इस दल इसलिए इस दल में आई हूँ शारीरिक रूप से भी ठीक हूँ इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जे, जैसी की सुरक्षा आराम की जगह उपलब्ध उपलब थी उस पर लौट आए साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है अगले दिन मैं सुबह चार बजे उठ गई बर्फ पिघलाया और चाय बनाई कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग साढ़े पांच बजे अपने तंबू से निकल पड़ी अंग दूरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था अंगदूरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था लेकिन इसके कारण उसके उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे इसलिए वे ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक पहुंचकर कर, कर साउथ कोल पर वापस आ जाना चाहिए था अथवा तो अपने प्रयास को छोड़ देना था वे तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंग के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था मुझे फिर भी अंग दोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था सुबह छः बजकर बीस मिनट पर जब अंग जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी मैं अपने आ, अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की अंग जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टाने इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझ कर उठाया दो घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए अंग दोजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ मैंने जवाब दिया नहीं जिसे सुनकर वे बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप तक पहुँचने में चार घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर एक बजे तक पहुंच जाएंगे लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की लाटू एक नायलोन की रस्सी लाया था इसलिए अंग जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला उसने अपनी रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक चार लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग ढाई लीटर ऑक्सीजन की प्रति मिनट की दर से आगे चढ़ रही थी मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कड़ों कर, को चारों तरफ उड़ा रहे थे जिससे दृश्यता शून्य नजर आ रही थी अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन बार बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया है मेरी सांस मानो रुक गई थी मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नजदीक है 23 मई 1984 के दिन दोपहर के एक बजकर सात मिनट पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी तेईस मई उन्नीस को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी आ, एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ साथ खड़े हो सके चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी पर पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंग दोरजी दोर के प्रति आदर भाव से झुकी अंग दोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया मैंने उन्हें अपने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर भी बधाई दी उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की मैं बहुत प्रसन्न हूँ कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे मुझे बधाई देते हुए मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा तो देखा आपने ये थी बछेंद्री पाल की प्रेरणास्पद एवरेस्ट विजय की कथा विजय गाथा इस में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी जैसे कि अभियान अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई करना या आगे बढ़ना किसी काम के लिए प्रतिबद्धता होना या कैंपिंग करना दूसरा जैसे दुर्गम दुर्गम मीन्स जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन हो कठिन मार्ग या इनएक्सेसिबल हिमपात हिमपात का अर्थ है बर्फ का गिरना या स्नोफॉल आकर्षित होना यानी मुग्ध होना या आकृष्ट होना और साथ का मीन्स होता है डिप्रेशन मीन्स उदासी ग्लेशियर ग्लेशियर मतलब बर्फ की नदी जो बर्फ के पिघलने से मेल्ट होने से बनती है उसे कहते हैं ग्लेशियर अनियमित मीन्स इरेगुलर जो नियम के विरुद्ध हो जिसका कोई नियम ना हो आशाजनक मीन्स प्रॉमिसिंग या आशा उत्पन्न करने वाला भौचक मीन्स एंग्वेश या हैरान करने वाला अव्यवस्थित मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड या व्यवस्थाहीन जिसमें कोई व्यवस्था ना हो प्रवास मीन्स द स्टे यात्रा में कहीं ठहरना हिमविदर हिमविदर मीन्स होता है दरार या तरेन या स्नोफिसर आरोही मीन्स असेंडिंग ऊपर की तरफ चढ़ने वाला विख्यात मीन्स फेमस मशहूर प्रसिद्ध अभियांत्रिकी मीन्स होता है इंजीनियरिंग या तकनीकी नौ सीखिया मीन्स बिगनर या नया नया सीखने वाला विशालकाय पुंज मीन्स बहुत ही बड़े आकार का टुकड़ा पुंज मीन्स होता है बीम, तो आपको जाइंट बीम भी बोल सकते हो या फिर जाइंट स्नो पर्वतारोही मीन्स होता है माउंटेनियर या पर्वत पर चढ़ने वाला आरोहण आरोहण मीन्स क्लाइंबिंग यानी ऊपर की तरफ चढ़ने वाला कर्मठता मीन्स होता है डिलीजेंस या काम में कुशलता या कर्म के प्रति निष्ठा उपस्कर मीन्स इक्विपमेंट मीन्स जो आरोही जो आरोही की आवश्यक सामग्री होती है उसे उपस्कर कहते हैं शंकु शंकु मीन्स कोन या नोक जो शार्प पॉइंट होता है उपलब्धि यानी कि प्राप्ति जो आपने अचीवमेंट किया है जोखिम मीन्स रिस्क या खतरा तो ये थे कुछ कठिन शब्द भी जो इस चैप्टर में आए हैं तो इसके मीनिंग आपको पता रहेंगे तो इसे समझने में भी आसानी होगी तो फिर अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि ये बछिंद्री पाल की जो उनकी जो कहानी थी एवरेस्ट विजय की आप सबको बहुत पसंद आई होगी तो आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय